प्रथम तहलका न्यूज। अंबाला में पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े भी चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। चोरी का नया मामला अंबाला छावनी से सामने आया है, जहां बीड़ी फ्लोर मिल के पीछे निषाद बाग से चोरों ने एक मकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इन तस्वीरों में वारदात वाली जगह को आप देख सकते हैं। मकान मालिक रोहित कुमार ने बताया कि वे उनके चाचा ससुर का निधन हो गया था, जिसके चलते उन्हें अंबाला से पठानकोट जाना पड़ा। शातिर चोर शायद इसी फिराक में बैठे हुए थे। जैसे ही मकान मालिक घर से निकले, चोरों ने उनके घर को निशाना बना लिया। मकान मालिक जब वापस अंबाला अपने घर लौटे तो अंदर का नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर का ताला बंद था और अंदर से मकान पूरी तरह बिखरा पड़ा था और अलमारी का कीमती सामान गायब था। चोरों ने जेवरात, नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। मैं अपने चाचा सूर्य की डेथ में गया हुआ था पठानकोट पंजाब। कल रात जब मैं वापिस आकर मैंने अपने गेट का दरवाज़ा खोला, उसके बाद जब मैं अंदर आकर मैंने देखा कि मेरे सारे ही दरवाजे जो हैं उसके लॉक टूटे पड़े थे और बारी वगैरह भी काट कर खोली हुई थी। जब मैं अंदर आकर मैंने देखा कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, तो मैं सबसे पहले अपने लॉकर की तरफ जहाँ हम सामान रखते वहाँ गया। वहाँ देखा तो लॉकर में कुछ भी नहीं था, जो कि मेरी वाइफ के जेवरात थे, जिसमें चूड़ियाँ थी सोने की और गहने थे, लॉकेट था और इसकी अंगूठियाँ वगैरह थी, वो सब चोर जो है चोरी करके ले चुके थे। उसके बाद मैंने अपने बच्चे की गुल्लक थी, उसमें पैसा छोड़ रखा था, वो भी सारा वो चुरा कर ले गए और काफ़ी मेरे घर का नुकसान कर। मंदिर में हमारे कुछ सामान इतना कुछ नहीं था, जो हमारी जैसे दिवाली की जो सिक्के वगैरह रखे होते हैं वो सिक्के भी वो उठा कर ले गए। पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहलाल पुलिस के दावे हवा हवाई ही साबित हो रहे हैं। चोर बदमाश अपना काम करके निकल जाता है, लेकिन पुलिस आश्वासन ही देती रह जाती है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।